प्राइमरी स्कूल में हमारी जो सबसे बड़ी खूबसूरती थी, जो हमारे असातिज़ा कराम अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, एक तो वो कलम के ज़रिए से ख़त हमें तख्ती पे प्रैक्टिस कराते थे, और न सिर्फ प्रैक्टिस कराते थे अलिफ बे जीम लिखने के बाद या गिनतियाँ लिखने के बाद, उनका फिर हमारे दरमियान में कंपटीशन भी हुआ करता था। हमें ब्रश का कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं था कि ब्रश क्या होता है, रंग कहाँ से बनते हैं। वही जो अम्मी हमारी दुपट्टों पे रंग कराने के लिए रंग मंगाती थी, उन्हीं को हम घोल के प्यालियों में, और ये जो कतरन होती है जिसे हम सराइकी ज़बान में थिकड़ी कहते हैं, उसकी तह बना के उसकी हम कलम किसी रो बना लेते हैं, और उससे बस वही जो पहली हमारे असातिज़ा ने हमें कलम के ज़रिए से मश्क कराई थी, वही खुशखत्ती जो प्राइमरी स्कूल में, उसी का बढ़ोतरी अब इस हायर सेकेंडरी स्कूल्स में भी होने लगी। कुदरत की तरफ से मुझे अता करदा चीज़ें थी ये कि मैं आर्ट ही की दुनिया का आदमी था। मैट्रिक में आप नहीं सोच सकते कि आर्किटेक्ट का बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती थी। कॉलेज लाइफ में तो थोड़ी सी आज़ादी मैसर आई, बाल बड़े किए, और शहर की जो सराउंडिंग्स हैं, सर्कुलर रोड भी देखने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे पता लगा दो सिनेमा हैं, और उन एक सिनेमा में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है ग्रामी है इकबाल शाहिद साहब, तो उनके चरणों में जा बैठे कि हम तो सीखना चाहते हैं। तो वो फिर एक तवील अरसा फिर उनकी तरफ से हमें आगाहियाँ होती रहीं कि जी आर्ट क्या चीज़ होती है, आर्ट क्या क्यों कर होता है, आर्ट के पीछे कौन से लॉजिक्स हैं, आर्ट में क्या खूबसूरतियाँ हैं। हज़ार में एक शो किया इस्लामाबाद में, जो लोगों की एक बड़ी तादाद आई और हमारी हौसला अफजाई उन्होंने की, जनाब मोहतरम ग़ुलाम रसूल साहब जो पाकिस्तान के बहुत बड़े रिनाउंड आर्टिस्ट थे, अल्लाह ताला उन्हें गरी के रहमत करे, तो उन्होंने हमें इदराक दिलाया कि जनाब आप तो ये ज़रा हटके हो, एक तो ये हमें ख़बर गिरी हुई, फिर दूसरा ये कि 2003 में अल्लामा इकबाल के पोर्ट्रेट्स का कंपटीशन था, और हमने अल्लामा इकबाल के जितने भी पोर्ट्रेट्स बनाए थे वो सिर्फ अपने अहद के जो बड़े मुसव्विर थे उनको सामने रख के कि इन्हें काम दिखाना है, इनसे दाद वसूल करनी है, लेकिन कुर्रे फाल जो किस्मत का था वो हमारे ही लिए खुलना था, तो हम दो कैटेगरी के अंदर फर्स्ट प्राइस के हकदार करार पाए, यानी अल्लामा इकबाल के पोर्ट्रेट में भी मेरे पास फर्स्ट प्राइस था, और अल्लामा इकबाल की शायरी को जो इलस्ट्रेट किया जाता है उसमें भी मेरे पास फर्स्ट प्राइस था। और अब दायरा कार हमारा अपनी सरजमीन जिसके हम परवरदा हैं, यानी दमान की सरजमीन, उससे निकलकर अब ज़रा हमारा वास्ट कैनवस हो गया, अब नारान कागान और ये जो हमारे नॉर्थ के एरियाज़ हैं, अब उसकी तरफ अभी हम आज ही लौटे हैं सुबह सवात वैली से होते हुए शांगला तक, और फिर उसके चकेसर जहाँ लोग पहुँचते नहीं हैं, हम उन खूबसूरत वादियों में गोया के अपने अंदर के हुस्न को तलाश करने के लिए पहुँचे हुए थे। मैं ये कहता हूँ कि अच्छा काम करने वाला कुलाची तहसील में भी चला जाए, और उसके एक गांव है लूनी, वहाँ भी चला जाए और काम करने वाला हो, तो अब वो दुनिया से दूर नहीं है, वो आगे बढ़ सकता है। आर्ट की दुनिया में कहीं नंबर्स का मामला नहीं है, क्योंकि ये तो आपका इनर सेल्फ है जिसे आप कैनवस के ऊपर उतार रहे हैं, और नुसरत अपने तरीके से उतार रहा है, अजब खान अपने तरीके से उतारेगा, सईद अख्तर साहब अपने तरीके से उतारेगा, आहमद खान अपने तरीके से उतारेगा, नंबरिंग इसमें नहीं है। मैं ये कहूँगा कि नए आने वालों से कि मियाँ आप इस बात में ना रहिएगा कि महंगा है तो हम इस तरफ नहीं जाते, पहले तो आप ये देखिए कि आप हैं इसी शोबे के, तो अपने जो लोकल चीज़ें मिलती हैं उन्हीं से अपनी प्रैक्टिस कीजिए। आज भी मेरे पास लोकल चीज़ें मौजूद हैं, यानी ये आप अपने दाएँ हाथ पर देखेंगे
तो आपको एक ऐसी छोटी छोटी सी डिबियाँ नज़र आएंगी जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक्रामाइन कलर्स मौजूद हैं, तो वो कहीं ना कहीं काम में आती हैं भाई। पाकिस्तान भर के जितने भी केपीके के जितने अजला हैं उनमें डेरा इस्माइल खान वाहिद ज़िला है आर्ट के ज़ुमरे में जिसके पास मुख्तलिफ कम्पटिशन्स के अंदर हासिल करदा एवार्ड्स की तादाद तकरीबन 70 के करीब है। डेरा इस्माइल खान इतना खूबसूरत खित्ता है इस पाकिस्तान का जहाँ मल्टी नेशनल्स, मल्टी लैंग्वेजेस और मल्टी कल्चरल्स लोग मौजूद हैं और जहाँ इस किस्म की सारी इन्वायरमेंट्स हों तो गोया के यहाँ आर्ट ऑटोमेटिकली जन्म लेगा और जन्म लेता है और न जाने कितने लोग ऐसे होंगे जिनके अंदर ये शौक दबा पड़ा होगा। अब जब उन्हें इस किस्म के मौके मिलेंगे सीखने के बाकायदा इंस्टीट्यूशन से और उनको अपना मुस्तकबिल भी दरख्शा नज़र आएगा कि हमारे पास जब इसकी डिग्री होगी, हमारे पास जब इस इदारे का सर्टिफिकेट होगा तो हमें दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी वेलकम कहेगी, कोई भी इदारा हमें वेलकम कहेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि डिपार्टमेंट्स फाइन आर्ट्स के किसी भी इलाके की तरक्की में और फिर ऐसा आर्ट से मुतालिक होने के बाद मालूम क्या होता है, एक बड़ी तादाद जो अपने अंदर बहुत सी कसाफतें रखती हैं वो लताफतों में बदल जाती हैं, कसाफतें लताफतों में बदल जाती हैं, आपका सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया के ऊपर आश्कारा होता है कि इतने नफीस ख्यालात के लोग मौजूद हैं। बिल्कुल जैसे शायरी की आप देखते हैं कि नफीस ख्यालात होते हैं उसमें, इसी तरीके से आर्ट के अंदर भी नफीस है।